हाथ में साइकिल के पहिए का रिम और कमर पर गमछा बांधे युवक ने सपेरों की धुन पर नागिन डांस का ऐसा समा बांधा कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हर शख्स झूम उठा। धमाकेदार एंट्री के साथ युवक ने सिर से रिम उतार दी, लेकिन असली तमाशा तो अभी बाकी था। मंच पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद थे, इसलिए सपेरों ने भी पूरा दम लगा दिया। उधर नागिन डांसर भी दो युवकों के कंधों पर टिके बांस पर चढ़ गया और उसके बाद जो हुआ वैसा आपने किसी राजनीतिक दल के ऑफिस में नहीं देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि नागिन डांस में साइकिल की रिब का क्या काम, तो जनाब इस बात पर भी गौर करिए, ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का है और पार्टी का लोगो साइकिल है। ऐसे में साइकिल के पहिए को बड़ी खूबसूरती से नागिन डांस में फिट कर दिया गया। पार्टी ऑफिस में हुए नागिन डांस का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। डांसर की एंट्री के साथ ही वो मुस्कुराते नजर आए। अखिलेश यादव के साथ बैठे दूसरे नेता भी अपने सुप्रीमो के साथ तालियां बजाते रहे। नागिन डांस के बाद अखिलेश यादव ने कलाकारों की हौसला अफजाई की और ये भी बता दिया कि आखिर इन सपेरों और देसी कलाकार के सांप कहां गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके सांप वापस ले लिए, अब इन पे बीन बजाए तो वही बजाते घूम रहे हैं बस। पार्टी ऑफिस में नागिन डांस की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अखिलेश यादव ने हंसी मजाक में सपेरों से एक सांप की डिमांड भी कर दी। हमारा देश स्नेक चार्मर्स का कंट्री है, जब वो अंग्रेज आए सांप सपेरों का देश है, ये बात अंग्रेज लिखते थे अपनी किताबों में कि जो हमारे देश की पहचान बताते थे स्नेक चार्मर्स की, ये देश है सांप सपेरों का और ये तो ट्रेडिशन था इनका। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इनके सांप छीन लिए गए हैं। हालांकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पत्रकार साथियों के सामने बोल रहा हूँ, इन पे बहुत स्टॉक है अभी और जरूरत पड़ने पर हम सपेरे भाइयों से कहेंगे जरूरत पड़ने पर एक सांप हमें भी दे देना। अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के ऑफिस में नागिन डांस का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर समाजवादी पार्टी ऑफिस में नागिन डांस क्यों हुआ, क्या अखिलेश यादव नागिन डांस के दीवाने हैं? नागिन डांस कर रहे देसी कलाकार आखिर हैं कौन? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको आज से 7 साल पुराना ये वीडियो देखना चाहिए। वही मंच, वही कलाकार और वही अखिलेश यादव। 5 मई 2017 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीन की धुन पर देसी कलाकारों ने नागिन डांस के साथ हैरत अंगेज कारनामे भी किए। सात साल बाद भी ना तो कलाकारों का अंदाज बदला और ना ही परफॉर्म करने का तरीका। तब भी अखिलेश यादव ने डांस देखने के बाद कलाकारों की हौसला अफजाई की थी, इस बार भी इनाम देने की घोषणा की। और मैं इनको हर बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, जब समाजवादी सरकार बनेगी, जो मैं एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बना रहा था, जो नहीं बना पाया सरकार जाने के बाद, मैं इन सपेरों को और इनके तमाम परिवार के जो लोग जीवन यापन बहुत गरीबी में कर रहे हैं, इन्हें भरोसा दिलाते हैं पेंशन सुविधा और स्नेक चार्मर्स विलेज बना करके इनका जीवन स्तर।
दरअसल समाजवादी पार्टी में एक सांस्कृतिक सेल है जो उत्तर प्रदेश के देसी कलाकारों और लोक कला को प्रमोट करता है। हर साल पार्टी ऑफिस में 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें इन्हीं लोक कलाकारों को बुलाया जाता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी परफॉर्मेंस जरूर रखी जाती है। इस साल भी 15 अगस्त के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें लड़कों ने नागिन डांस परफॉर्म किया। इसी तरह 2021 में जब अखिलेश यादव होली मिलन कार्यक्रम के दौरान सैफई पहुंचे थे तब भी छोटे छोटे कलाकारों ने उनके सामने मंच पर नागिन डांस किया था। लोक कलाकार नागिन डांस और देसी अंदाज का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की पुरानी तस्वीर देखिए जिसमें कलाकार पैरों में घुंघरू पहनकर परफॉर्म कर रहा है जबकि पीछे बीन बजाता सपेरा भी दिखाई दे रहा है। इसी साल अप्रैल में जब अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची थी तब नुक्कड़ सभा में इस कलाकार ने समा बांध दिया था। लोक कलाकारों में भी अखिलेश यादव को सपेरों से ज्यादा लगाव है। इसकी एक वजह ये भी है कि अखिलेश यादव महादेव भोलेनाथ के भक्त हैं और इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को समर्पित मंदिर की निर्माणाधीन छत पर नागदेव ने साक्षात दर्शन दे दिए। सवाल है कि अंधविश्वास है या कोई चमत्कार, महज संयोग है या फिर भोलेनाथ की कृपा। इन सवालों पर चर्चा से पहले आप फिर केदारेश्वर महादेव मंदिर में किंग कोबरा की एंट्री की तस्वीर देखिए। फन फैलाए सांप को देखकर एक वक्त के लिए वहां मौजूद तमाम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए इस काले नाग को, 4 फीट के करीब इसकी लंबाई है, फन फैलाए बैठा है। जैसे ही मंदिर में किंग कोबरा के दिखने की खबर मिली वहां काम कर रहे लोगों के होश फाकता हो गए और सब काम छोड़कर भाग खड़े हुए। काफी डर गई थी जब वो बार बार सर ऊपर फन करके फुसकार मार रहा था तो लेबर काम बंद करके एकदम डर गई, उन्होंने हमें बुलाया। निर्माणाधीन इस मंदिर में नाग पंचमी पर नाग देवता तो आ गए, ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। ये वही केदारेश्वर मंदिर है जिसे अखिलेश यादव खुद बनवा रहे हैं। 2 महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने करीब 7 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मंदिर के निर्माण और उसकी भव्यता को दिखाया था। लोहंदा चौराहे से ग्वालियर जाने वाले हाईवे पर सपा सरकार में बनी लायन सफारी के ठीक सामने विशाल मंदिर अपना रूप ले रहा है। केदारेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह भवन की ऊंचाई 74 फीट है, ये 10 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, मतलब उसका आधार जमीन से 84 फीट ऊंचा है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की 85 फीट की ऊंचाई से 1 फीट कम। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए केदारेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई 1 फीट कम रखी गई है। इस मंदिर में स्थापित देवशिला 7 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी और 13 टन वजनी है। प्राकृतिक रूप से जैसी शालिग्राम शिला मिली वैसे ही केदारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित की गई। ये वही शिला है जिसका पूजन इसी साल फरवरी महीने में अखिलेश यादव ने किया था। शालिग्राम की इस शिला को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लाया गया था। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत पार्टी के कई नेताओं ने पूरे विधि विधान के साथ शिला पूजन करके इसे इटावा के केदारेश्वर मंदिर की ओर रवाना किया। लेकिन इटावा में बन रहा केदारेश्वर महादेव का मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब मंदिर में किंग कोबरा की खबर आई। अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया था। आस्था चमत्कार के दावे के बीच ये भी सच है कि बारिश के दिनों में सांप अपने बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बिलों से बाहर निकलकर ये सांप शिवलिंग की ओर ही रुख क्यों करते हैं? इसका जवाब आस्था में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।